मैं आज इस छतरी के सहारे 5 फीट से लेके 150 फीट की ऊंचाई से कूदूंगा और देखूंगा कि क्या इस छतरी के सहारे मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहां से कूदूंगा और इसकी हाइट है 5 फीट। तो अगर मैं यहां से नॉर्मल कूदता हूं तो नॉर्मल कूदने में 1 सेकंड लगता है और छतरी के सहारे कूदने में 67 मिली सेकंड ज्यादा लगते हैं। थोड़ा बहुत एहसास हुआ। तो अभी मैं कूदूंगा यहां से जिसकी हाइट है 10 फीट। तो अगर मैं यहां से किसी भी पत्थर को फेंकता हूं तो वो इतना कुछ टाइम लेता है। तो मैंने छतरी के यहां पर धागे बांध दिए जिससे कि ये पलटे नहीं। तो यहां से कूदने से पहले मैं सेफ्टी पहन लेता हूं। डर लग रहा है क्योंकि यहां की हाइट बहुत ज्यादा लग रही है। 1 सेकंड और 100 मिली सेकंड, 200 मिली सेकंड का डिफरेंस। ओ भाई साहब, थोड़ा सा इसमें भी महसूस हुआ मेरे को। तो अभी मैं कूद रहा हूं 15 फीट की ऊंचाई से। तो यहां से अगर मैं कूदूंगा तो मेरी हड्डी पसली 1 हो जाएगी, इसलिए मैं इस मटकी को इसके नीचे बांध के फेंकने वाला हूं। तो फेंकने से पहले मैं इस ईंट का वजन इस मटकी के अंदर डाल देता हूं ताकि मटकी सीधी गिर जाए। तो एक मटकी को अगर मैं ऐसे फेंकता हूं तो कुछ इतना टाइम लगता है। तो चलिए अब इसके सहारे इसको फेंकते हैं। फेंकने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले इस वीडियो पर एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई छतरी वाला फेंकता, इसलिए मैंने इसका फुल डिटेल वीडियो बनाया। तो चलो फेंकता हूं। सिंपल मटकी को फेंकने पर 900 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, वही छतरी के सहारे वाली मटकी को फेंकने में लगता है 1 सेकेंड और 133 मिली सेकेंड। आई डोंट नो क्या हुआ। तो गाइस, ये है पानी की टंकी और इसकी हाइट है लगभग 120 फीट के आसपास। तो अभी मैं फेंकने वाला हूँ इसको 50 फीट की हाइट के ऊपर से। तो हमने 5 फीट की हाइट से फेंका, 10 फीट की हाइट से फेंका और 15 फीट की हाइट से फेंकने के बाद मुझे लगता है कि 50 फीट की हाइट से हम लोग जो फेंकेंगे तो टाइमिंग में काफ़ी डिफरेंस होगा। तो अभी मैं इस बोतल को फेंक रहा हूँ। हेलो। तो अभी मैं इस बोतल को यहाँ से खाली फेंक रहा हूँ। गाइस, अभी मैं फेंक रहा हूँ इस छतरी को 50 फीट की हाइट से और देखते हैं क्या होता है, कितने सेकंड में पड़ती है। 3, 2, 1। ओ भाई साहब, तो 50 फीट की हाइट पर 167 मिली सेकंड का डिफरेंस आया। तो 50 फीट की हाइट से पड़ने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखा टाइमिंग में। चलो अब इसको फेंकते हैं 100 फीट की ऊंचाई से। तो गाइस, अभी हम लोग फेंक रहे इसको 120 फीट की ऊंचाई से। और गाइस देखो, यहाँ से फेंकने से पहले आपसे एक निवेदन है गाइस, लाइक का बटन जो है ना वो बिल्कुल फ्री है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार, बस लाइक कर दो। तो गाइस, सबसे ऊपर खड़ा हूँ मैं अभी 150 फीट की हाइट के ऊपर, 150 है या 120, आई डोंट नो। तो भाई लोगों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लाइक तो कर दो, फ्री में है, 1 सेकेंड लगता है। तो अभी मैं फेंक रहा हूँ इसको इन 3, 2, 1। डिफरेंस आया यार, धीरे धीरे गई है ना। चलो मैं नीचे आता हूँ, छतरी सही सलामत है। अब एक छेद हो गया, चलो छतरी तो छोड़ो, बोतल की कंडीशन। ओबे साले गाइस, बोतल देखो, बोतल का पिछवाड़ा फट गया, देखो ये देखो। इसलिए मैंने बोला था ना, मैं पहले इसको नहीं फेंकूंगा, अगर मैं इसको पहले फेंक देता तो ये पहले ही गिर जाती। मुझे लगा कि मैंने 5 फीट से लेके पूरे 150 फीट की ऊंचाई से छतरी को फेंकने के बाद सिर्फ 1-2 सेकेंड का ही डिफरेंस आता है। तो मूवीज़ में या फिर कार्टून्स में या फिर आपने कभी ना कभी तो ये मिथ सोचा ही होगा अपने दिमाग में कि ऐसे करने पर हम लोग भी धीरे धीरे से पढ़ते हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा कभी ट्राई मत करना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को
लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए नीचे फ्री में। हाँ भाई साहब, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के हालत हो चुकी है खराब। बाय बाय।